खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर चिन्हट कोतवाली के अंदर से एंटी करप्शन की ट्रैप टीम ने दरोगा प्रदीप यादव को 5,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि टीम ने प्रदीप यादव के खिलाफ गाजीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। दरोगा प्रदीप ने दो भाइयों में मारपीट के मामले में कार्रवाई के नाम पर रुपए की मांग की गई थी। हालांकि दरोगा प्रदीप 2021 से चिन्हट कोतवाली में तैनात है और आपको बताते चले कि एंटी करप्शन टीम के मुताबिक बीते 7 जून को चिन्हट की गंगा विहार कॉलोनी में रहने वाले मनोज मिश्रा और उसके भाई मोहित में मारपीट हुई। अगले दिन 8 जून को मनोज ने भाई मोहित के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना इंस्पेक्टर ने दरोगा प्रदीप कुमार को दी थी। मनोज का आरोप है कि दरोगा प्रदीप ने इस मामले में भाई के खिलाफ कार्रवाई और धाराएं बढ़ाने के लिए 10,000 रुपए की मांग कर रहे थे। कई बार इस संबंध में प्रदीप ने उन्हें फोन भी किया और इस पर मनोज ने इस मामले की शिकायत एंटी करप्शन के दफ्तर में की थी। हालांकि टीम ने सारी योजना बनाई और मनोज मिश्रा से दरोगा की बात कराई, जिसमें डील 5,000 रुपए में तय की गई। आपको बता दें बीते बुधवार को यानी कि कल एंटी करप्शन की टीम मनोज को साथ लेकर चिन्हट कोतवाली पहुंची। कोतवाली के बाहर मनोज को 5,000 रुपए दिए। ट्रैप टीम ने दो सरकारी गवाहों के साथ मनोज को लेकर सादे कपड़ों में चिन्हट कोतवाली पहुंची। यहां दरोगा प्रदीप को मनोज ने फोन किया। दरोगा ने प्रदीप को CCTNS रूम में बुलाया, जहां मनोज ने दरोगा प्रदीप यादव को 5,000 रुपए दिए। इसी बीच टीम के सदस्य पहुंचे और दरोगा प्रदीप को रंगे हाथ घूस लेते दबोच लिया। आपको बता दें कि टीम आरोपी दरोगा को इसके बाद गाजीपुर कोतवाली लेकर पहुंची। गाजीपुर में दरोगा प्रदीप यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।